हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड इज, और यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करेंगे कि 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की। फिर हम वाई एक्सिस में फाइंड आउट करेंगे कि 10 सेकंड के बाद पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, v = u + at। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए वी के साथ एक्स लिख दिया है। vx = ux + ax × t। तो गाइस यहाँ पे जो x है वो डिनोट कर रहा है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में कितनी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में कितनी होगी, और जो ax है ये शो कर रहा है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, और t तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है और 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो दे ही रखी है x डायरेक्शन में, वो दे रखी है 3, क्योंकि जो i कैप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, 3 मैग्नीट्यूड है, और यही हम u की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ u की जगह पुट कर दूंगा, और इसी तरह हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है x डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे i कैप बता रहा है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो ये है 0.4। ठीक है, तो a की जगह हम ax की जगह हम रख देंगे 0.4, और t की जगह हम रख देंगे 10। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया है, तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है ना एक्स डायरेक्शन में, वो आ रही है 7। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने मीटर पर सेकंड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि जो हमारी वेलोसिटी है इनिशियल वो किस में, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने यूनिट यूज़ किया। ठीक है, कि यूनिट लिख दिया उसकी जगह, तो हम भी गाइस जो हमारा आंसर आएगा ना फाइनल उसके आगे हम यूनिट लिख देंगे। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे आफ्टर 10 सेकेंड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे मोशन की, v = u + at, और हम लिख देंगे vy, जो कि शो कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी। ठीक है, और uy ये शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, ay शो कर रहा है कि जो एक्सीलरेशन है वो y डायरेक्शन में कितना है, और t ये है 10 सेकेंड जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, uy की जगह हम रख देंगे 4, और ए वाई की जगह हम पुट कर देंगे 0.3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यहाँ से जो सॉल्व करके हमारा वी वाई आ रहा है वो आ रहा है 7। तो गाइस अब हमें पता लग गया है कि जो एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन में, इन दोनों में जो फाइनल वेलोसिटी है 10 सेकंड के बाद वो है 7। ठीक है, 7 है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, v = 7i + 7j। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है गाइस। अब हम कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वेक्टर का मोड कर देंगे, वेक्टर वी का हम मोड कर देंगे, फिर लिख देंगे रूट में 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 7√2। अब इसकी जगह हम गैस हमें हमारा आ रहा है 7√2, और अब हमें ये नहीं क्वेश्चन में दे रखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, तो इसीलिए उन्होंने यूज़ कर रखा है ऑप्शन में यूनिट। तो हम भी गाइस अब क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया उसकी जगह हम लिख देंगे यूनिट। तो गाइस अब देखते हैं इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 1, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज़।